हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड कक्षा 8 के स्टूडेंट और आप लोग का एग्जामिनेशन है संस्कृत का, तो मैं इसका 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूँ। यहीं से आप लोग का सारा क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग ये वीडियो और देखना शुरू करेंगे। यहाँ से आप लोग का वीडियो स्टार्ट है। इसी तरह का इंटरफेस आप लोग का रहने वाला है। यहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं शब्दाना अर्थ लिखित, यानी शब्दों का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यत्र मतलब जगह जगह, और तत्र मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं यहाँ। उसके बाद आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो संप्रति मतलब इस समय, अक्षमाक मतलब तुम्हारी या तुम्हारा, धवला मतलब स्वच्छ। अगला अब हम लोग देखेंगे तो यहाँ आप लोग को ये दिया गया है, इसका भावार्थ लिखना है। तो इसका आप लोग का आंसर जो हो जाएगा, अधम धन की इच्छा करते हैं, धन मध्यम धन और मान चाहते हैं, किंतु उत्तम केवल मान चाहते हैं, महापुरुषों का धन मान ही है। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पे कोष्ठाता शब्द चित्वा रिक्त स्थानी पुर्यत, यानी कोष्टक में से शब्द को चुन करके खाली स्थान को भरिए। तो विद्या सर्वत्र पूज्यंते। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय बिहारे आस्ति। उसके बाद संप्रति राष्ट्रस्य विकास सार्वत्रिक। अगला है अधम मान इच्छति, भारतवर्ष हिमालयस्य उत्तर दिशा वर्तते। अगला है मौर्य राजस्य संस्थापक क आसित, तो चंद्रगुप्त मौर्य। अस्माक देश नाम किम, तो भारत। विद्वान कुत्र प्रश्चते मतलब सर्वत्र गौरवम, कस्य राज्यम सर्वष्टम, तो रामः राज्यम। श्री रामचंद्रस्य पत्नी क्या अस्ति, तो सीता। अगला हम लोग देखेंगे तो लता शब्द का द्वितीय पंचमी सप्तमी च विभक्ति रूपांतरित लिखित। लता शब्द के द्वितीय पंचमी और सप्तमी विभक्ति के रूपों को लिखिए। तो इसका यहाँ द्वितीय हो जाएगा लताम, पंचमी हो जाएगा लताया और सप्तमी हो जाएगा लतायाम। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित पदाना बहुवचन लिखती, तो पठती का हो जाएगा पठंती, गच्छती का हो जाएगा गच्छता। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो संधि विच्छेद कुरुत, तो इत्यादि का हो जाएगा इति जोर आदि, कदापि का कति जोर अपि, स्वागतम का हो जाएगा सु जोर आगतम, सदैव का सदा जोर एव, पवन का हो जाएगा पो जोर अन। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो संघे शक्ति पाठस्य सारा हिंदी भाषा लिखित, यानी संघे शक्ति पाठ का सारांश हिंदी भाषा में लिखिए। तो इसका आंसर आप लोग का यहाँ है, प्रस्तुत पाठ संघे शक्ति में एकता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। किसी भी समाज परिवार तथा देश के विकास एकता के बल पर निर्भर करता है। एकता के बिना व्यक्ति मूल्यहीन हो जाता है, और एकता के अभाव में हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा। जब हम संगठित हो गए तब अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा, इसलिए हमें एकता पर कायम रहना चाहिए। आगे यहाँ पर संस्कृत अनुवादा कुरुत मतलब संस्कृत में अनुवाद करिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्षांत पत्रानी पतंती। उसके बाद है मैं आठवीं कक्षा में पढ़ता हूँ, तो अहाँ विद्यालय, मैं आठवीं कक्षा में पढ़ता हूँ। तो उसके बाद है बिहार की राजधानी पटना, तो पटना बिहारस्य राजधानी अस्ति। हमारा देश भारत, हम लोग भारत देश में रहते थे, वयं भारतस्य नागरिका सन्ति। तो इस तरह से आपका ये वीडियो समाप्त होता है। आपको अगर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।